अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक ठाक हूँ। सामान लेकर आ गई यहाँ पर, आ गया घर का। मैं देखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या है। हाय, ये मास्क डाल लूँ अपना। हाय, छड़ियाँ चढ़ कर आई हूँ ना, सांस चढ़ गया। चले जी, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आवाज रहे हैं, खाते पीते रहे, ऐश करते रहे। सबसे पहले उठी सुबह उठ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, नाश्ता किया। फिर उसके बाद पहले पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर जी चिकन आ गई, आलू मटर का सालन बना रही हूँ साथ में, ठीक है जी। क्या बनेगा? ये जूती ले के मैं गई थी अपनी, टूट गई है मेरी, लेकिन मैंने जो ना मौची को देनी थी वो, लेकिन नहीं दे सकी, भूल गई। दिमाग में ना तो कुछ चीज़ें रहती, कुछ नहीं रहती हैं। बादाम खाया करूँगी। यहाँ पर हरा धनिया जो नहीं था घर पे वो ले लिया, और यहाँ पे जो ना कलेजी पोटा ये जंगली बिल्ली का, और जो मेरी प्रो है उसके लिए भी खाना आ गया जी। और आपको यहाँ पर जी यहाँ क्या है, तेल ये है जी आधा किलो, और प्रो बैठी हुई है अपने खाने के लिए, तो उसके लिए भी चिकन आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गई इसकी चिकन। अभी मैं इसको धो के फ्रेश करके और बॉईल करके दूंगी, ठीक है जी। यूँ खाना, खाने में क्या बन रहा है जी ये मैं बताऊँ आपको। खाने में जी बन रहा है शिमला मिर्च, नहीं सॉरी जी, बन रहा है आलू मटर, और साथ में है जी चिकन, वो ऐड करेंगे। और अभी मैं मटर शटर का है हमारे आ गया फ्रिज। इसे मटर जो है ना मैं ना छील के ना रख देती हूँ, ठीक है। इसे क्या आसानी से जो ना बन जाते, ठीक है। ये रे, तो मैंने शॉपर में धो के इसको निकाल के, और जो ना ये आगे शॉपर में इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ मैं। ये जी आगे मटर, ओ ये देखिए जी शॉपर में, ये रे कितना आसान है ना, इसको निकाल के मटरों को और फ्रेश करके फ्रीज कर दिया करें। जब आपको पकाना है झटपट में निकालें और पकाएं, कितना आसान तरीका। तो यहाँ पर जी बन रहा है खाना। खाने में क्या बन रहा है जी, यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। चिकन है यहाँ पर जी, सारा कुछ मैंने रख दिया है। और आज जो है फिर से गैस नहीं है, नीचे बैठ कर मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, नीचे की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन क्या करूँ, कढ़ाई मैंने रख दी है, गैस सिलेंडर ये रखा हुआ, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको ऑन किया है, और आग जल रही है ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पर जो है पहले मैं जो ना इसके कढ़ाई को मैंने धो लिया ना, तो इसका जो पानी है ये खुश करूँगी, ताकि उछल उछल के जो है ना वो तेल कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, अल्लाह ना करे। तो यहाँ पर जी ऑयल मैंने ऐड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना आपने ऐड करना है, ठीक है। मुझे तो हांडी बहुत अच्छी लगती है जिसके अंदर ऑयल हो और नज़र आए। कंजूसी तो है और महंगाई भी है, लेकिन क्या करना है, हांडी तो पकानी है जाहिर है। चले जी, प्याज को पहले मैं ब्राउन करूँगी। प्याज और ये अमथन, पता क्या मुझे आदत है ना कि ऊपर वहाँ पर चूल्हा रखा हुआ ना, ये देखे ना वहाँ पर, लेकिन गैस ही नहीं आ रही आज। हाय रे किस्मत, 50 साल पीछे चले गए। चले जी ब्राउन कर लेते हैं प्याज को, और फिर जो इसमें क्या क्या ऐड करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे। और मज़ेदार वाला बन रहा है यहाँ पर आलू मटर गोश्त, वो भी चिकन का, ठीक है जी। छोटी 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 वाली जो मुर्गी होती है ना, उसका गोश्त है ये। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर ना ब्राउन हो रहे हैं प्याज, लाइट से करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो फ्लेवर ना इसका हांडी का अच्छा नहीं आता। तो लाइट सा, जैसे आप देखें बिल्कुल लाइट सा किया, ठीक है। अब क्या करने वाली हूँ इसमें मैं, अदरक लहसुन, बिस्मिल्लाह, और आँच थोड़ी सी स्लो कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा ही होंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन और ऐड करेंगे इसमें, ये कम लग रहा है, चलो ये ऐड कर दिया। और अभी ये सारे मसाले हैं जो ये देखें, ठीक है, ये मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। मुझे मस्से का लगता है ना, ये मौसम ऐसा है ना, तो जिस मौसम की सब्ज़ी होती है उसी मौसम का खाना खाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसको भून के, और फिर मैं ना चिकन ऐड करूँगी, साथ ही मैंने आलू ऐड कर देने हैं, और साथ ही मैंने मटर ऐड कर देने हैं। अल्लाह का खैर सल्ला, सही ना, हांडी हो जाएगी हमारी तैयार, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो प्रेस कर दिया करें ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिले। ठीक है जी, तो चले जी मैं हांडी पुनना है ना गन्ना जी, मेरी हांडी ना जल जाए। यहाँ पर जी पानी मैंने ऐड कर दिया है, साथ में जो आलू हैं ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं और अभी थोड़ी देर में जो है ना खाना हो जाएगा तैयार। और आज जो है ना नीचे बैठ कर तो कस्टमर से मुझसे काम ही नहीं होता, पता नहीं होते कैसे नीचे, ये गांव देहात की होती है नीचे बैठ के काम। अच्छा उनको शुरू से आदत होती है ना वो नीचे बैठ के, और जो मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उन पर खाना बनाने के, मेरे मुझे तो स्टोव पर बनाना 2 घंटे लग गया है, बैठूँ कैसे, नीचे आदत नहीं है मुझे। यहाँ पर जो अपने किचन में यहाँ पर खड़े होकर खाने पकाने की आदत है, बरसों से मैं यहीं खड़े होकर खाना पकाती हूँ। अरे तो नीचे तो मेरे घुटनों में ऐसा दर्द होने लग गया है, मतलब तरीके से बनाती हैं। चलो जी कोई नहीं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और साथ में मुझे भी हिम्मत दे। अब जब कभी नहीं होती गैस तो फिर मैं मुझे यहाँ बैठ के ये जो सिलेंडर है हमारा प्यारा सा छोटा सा महीन सा इसके ऊपर खाना पकाती हूँ। चले जी यहाँ पर जो ना खाना हो जाएगा अभी तैयार और फिर रोटी के साथ खाएंगे को, इसका टकड़ा शकड़ा मैं उसके ऊपर रख देती हूँ। ठीक है जी, तो चले जी इसकी हल्की भी मैंने आज कर दी है ताकि ये जो ना गल जाए। अच्छा प्याज इतना कड़वा था, किसी ने तो मुझे रुलाया नहीं, इसने रुला दिया प्याज ने, कटिंग कर रही थी ना तो आँखों में ऐसे आंसू आ रहे थे, मैं कहा फटे हूँ अटक कौड़ा प्याज। चले जी कल की वीडियो फिर आप देखिएगा हम आपको क्या दिखाएंगे, हाले तो साड़ी हांडी रोटी तैयार हो रही है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।